नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं आज क्षेत्रीय दलों के बीच सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला तैयार होने के बाद फिर से एक लिस्ट जारी किया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में आज तेजस्वी यादव की महारैली होगी, जहां तेजस्वी की रैली से पहले लालू प्रसाद यादव ने बिहार के लोगों से पटना पहुंचने की अपील की है। वहीं लालू ने सोशल मीडिया एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए लिखा कि एक बिहार एक संदेश, चलो पटना, पहुंचो पटना। एमएसपी की मांग कर रहे किसान संगठन आज करेंगे नई रणनीति का ऐलान। 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर दे रहे हैं धरना। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अपने उम्मीदवारों की कई सूची जारी कर चुके हैं, लेकिन बची हुई लोकसभा सीटों पर कई प्रत्याशी अपना दावा ठोक रहे हैं। इस क्रम में संभल से पूर्व सांसद रहे महरूम सफिकुर रहमान वक्र के पोते जियाउर रहमान वक्र ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। वक्र के पोते जियाउर रहमान समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं। 2000 के नोट वापस लेने का दिखने लगा है असर। जहां फरवरी महीने में चलन में मुद्रा की वृद्धि घटकर 3.7% रही। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने खास प्लान बनाया है, जिसके तहत आज बीजेपी छत्तीसगढ़ में भाजपा के सभी सेल के साथ कॉन्फ्रेंस करेगी और लोकसभा चुनाव को लेकर उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपेगी। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज शिवपुरी पहुंचेगी, जहां वे मुरखेरा गांव में सहरिया आदिवासियों से करेंगे संवाद। आज हो सकता है योगी आदित्यनाथ कैबिनेट का विस्तार। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान सहित रालोद के एक या दो विधायक बन सकते हैं मंत्री। बीजेपी ने यूपी की लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं कई दिग्गज नेता के नाम शामिल नहीं है, जिनमें वरुण गांधी बदायूं से, संघमित्रा मौर्य बरेली से, संतोष गंगवार के नाम टिकट लिस्ट में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बिहार के औरंगाबाद और बेगूसराय से आरजेडी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जिसने भी बिहार को लूटा है उसे लौटाना होगा। बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने सीएम रहते हुए बिहार को खूब लूटा था, जिसे लेकर उन्हें कोर्ट ने सजा भी सुनाया है। बीजेपी ने दिल्ली की 7 में से 5 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, जहां सिर्फ उत्तरी पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ही अपना टिकट बचा पाए हैं। वहीं मीनाक्षी लेखी, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रवेश वर्मा, रमेश विधूरी का टिकट कट गया है, जिनके जगह पर सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज, चांदनी चौक से व्यापारी परवीन खंडेलवाल और दक्षिण दिल्ली से रामवीर सिंह विधूरी तथा महापौर कमलजीत सहरावत को पश्चिमी दिल्ली से टिकट दिया गया है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने भगवंत मान के साथ मिलकर 165 आम आदमी क्लिनिक का उद्घाटन किया। भाजपा ने उत्तराखंड की 5 में से 3 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जहां टिहरी से महारानी माला राज लक्ष्मी शाह, अल्मोरा से अजय टमटा, नैनीताल से अजय भट्ट को टिकट दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को गुड़गांव जा सकते हैं, जहां वे द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। शुभारंभ करने से पहले पीएम एक्सप्रेसवे पर रोड शो भी कर सकते हैं। इसे देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी ने झारखंड के भी 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जहां अर्जुन मुंडा, निशिकांत दुबे समेत राजमहल से पहली बार तारा मरांडी को टिकट दिया है। छत्तीसगढ़ के सभी 11 सीटों पर भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, जहां पार्टी ने दुर्ग से विजय बघेल, रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी, कांकेर से भोजराज नाग को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश के विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को मिला है बीजेपी का टिकट। वहीं सिंधिया लड़ेंगे गुना से और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के 24 उम्मीदवारों के नामों का भी हुआ ऐलान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस में कलह के बीच दावा किया है कि मेरे पास 80% विधायकों का समर्थन है।
सुक्खू ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हाल के राज्यसभा चुनाव के दौरान खरीद फरोख्त और क्रॉस वोटिंग की साजिश भाजपा द्वारा शुरू की गई थी। भाजपा का काम दूसरों पर आरोप लगाना है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की 2 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जिसके तहत जम्मू से जुगल किशोर शर्मा और उधमपुर से जितेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जहां आसनसोल से भोजपुरी गायक पवन सिंह को टिकट दिया गया है। वहीं निशित प्रमाणिक कूच बिहार से चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र के मीरा रोड के बाद अब नासिक के मनवाड़ चांदवार हाईवे पर बने अवैध मजार पर बुलडोजर एक्शन हुआ, जहां मजार के नाम पर लैंड जिहाद का आरोप था। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने विधानसभा में मुद्दा उठाया, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए मजार को ध्वस्त कर दिया। गुजरात के गांधीनगर से अमित शाह लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, तो नवसारी से सीआर पाटिल को बीजेपी ने बनाया है उम्मीदवार। वहीं पार्टी ने बीजेपी की पहली लिस्ट में 2 महिला को भी टिकट दिया है। राजस्थान की 15 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, जहां चित्तौड़गढ़ से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को टिकट दिया गया है। वहीं बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, अलवर से भूपेंद्र यादव और भरतपुर से राम स्वरूप कोहली को उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। और अब बारी है कल के न्यूज पर कमेंट करने वाले लोगों के नामों की। उनके नाम है नवरत्न सिंह, निरंजन जोशी, मेदीलाल मौर्य, बीरेंद्र कुमार कुशवाहा, गीता अनुरागी, अयोध्या प्रसाद राठौर, संतोष भटनागर, सत्येंद्र शाह, ईश्वरदीन विश्वकर्मा, वशिष्ठ तिवारी, अशोक परमार, रणधीर सिंह, सुनील कुमार पाथीपाका, दीपक अहिरवार, राजेश रॉय, सत्येंद्र शाह, एसपी सिंह, गौतम महतो, अंसारी रसीद, करुणा चक्रवर्ती, सतीश चौबे, शिल्पी बेग बैनर्जी, केशव चंद तिवारी, सुनील कुमार पाथीपाका, रक्ष आर्या, विनोद तिवारी, संजय कुमार, शिवाजी पटेल, प्रवीण कलिता, वीरेंद्र शाह, केपी तिवारी, बलिंदु शर्मा, खेम होम थापा, बनवारीलाल स्वामी, संतोष कुमार गौप, काजल कुमार गांगली, दीनाबंधु कलसाई, अरुण दांगे, बलबंत सिंह गिल, घरेलू खाना, जितेंद्र साहनी, अरविंद पासवान, परशुराम, प्रहलाद पंडित, सैलू सिंह, चंद्रजीत, वीरेंद्र निषाद, सुनील कुमार पाथीपाका, विजय सिंह बैरवा, गुडवेज ट्रेवल, बंटी हजारिका और सुशील पांडे। तो ये थी आज की ताजतरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।